हालांकि मैं मेरे 50 साल की जिंदगी में कई सारे लोगों को मैं देखा जो कौम के लिए कौम के जायदाद के लिए औकात के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऐसा एक शख्स है किसी होटल एक करोड़ रुपए से ऑफर किए कंपनी वाले के लिए आप नीचे आ जाओ आपका आपकी जगह का केस मारवाड़ा लाखों रुपए ऑफर करे बहुत जानता हूँ ना घर का तार ना बीवी ना बच्चे पूरी जिंदगी वक्त के लिए मिल्लत के लिए कुर्बान किया जनाजा हजारों जनाजों को खाना दे चुका हूं मेरे सर्विस को हजारों लोगों की वैयत को मैं देखा हूं लेकिन इस चेहरे के शख्स में कुछ नूर था कई दिन हॉस्पिटल में सोने के बाद ना खाना ना पानी सुलाए मैयत को ऐसा लग रही थी कि बड़ा अफसोस के हंस रहा है अल्लाह ताला इसे हो हर मोमिन को नसीब फरमाए जो कल जो है चार सुबह के देखने के बाद हमने तय किया जुमा का दिन इसी मस्जिद से जो है जनाजे की नमाज भी इसी मस्जिद में जो है तेजे से जलसा जो है यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह अली के नाम पर कोई ना कोई एक यादाश्त जो वक्त की जायदाद के लिए लड़ने वाले मुस्लिम उम्मत की आवाज उठाने वाले मेरी फोटो आ रही है ऐसे लोगों का अगर हम ताल्लुक करें आगे आने वाले नस्ल भी आवाज उठाएगी क्योंकि कभी अगर वो कहते हैं कि खाने वाला खा लिया चले वाला चले गए कयामत के आसार है लुटेरों के साथ भी लोग कर्बला के मैदान में कबूड़िया नहीं था मोदी नहीं था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले ही हुजूर के नवासों को खत्म किए 1400 साल पहले अगर ये आलम होता है तो आज का आलम होगा क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं इसके बावजूद हम ईमान के साथ अल्लाह का खौफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आखिरत की फिक्र रखते जो जिंदगी करते हैं यही सच्चे वाले यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई यही तो जमाना ऐसा है कि जो लोग मुझे नहीं देखते होंगे लेकिन इतना चाहेंगे इतना दीन के लिए मिट मरेंगे कि वो उस वक्त के उम्मत अंबिया मुसलमान के बराबर होगा तो आज मैं अल्लाह बारक तआला में क्योंकि हमारे यहाँ एक मिनट का साइलेंस दो मिनट का साइलेंस या जुलूस या जो ये वो इस्लाम में नहीं है कि कैंडल जलाओ या जो है बाजा बजाओ ये करो इसलिए टिप्पू सुल्तान जयंती मैं खिलाफ करा तो लोग बोले इब्राहिम साहब टिप्पू की जयंती के खिलाफ मैं बोला तुम्हारे बाप मरे तो 40वां बाजा बजा करता गया था मेरा बाप मर गया मेरा बाप मर गया अरे टिप्पू सुल्तान जयंती रहमतुल्लाह है एक शहीद है उनकी जयंती नहीं उर्स है अगर गवर्नमेंट को इतना शौक है करने का हर मस्जिद को 50-50 हजार रुपए दो आयत कलमा पढ़ो लोगों को खाना खिला कुरान बख्शाओ दुआ करो उठ जाओ ये भाषा बजाने को रोड पर जो है उनकी तस्वीर है उनकी तस्वीर को मोमबत्ती फिराओ कि कोई इस्लामी रिवाज नहीं है इसलिए जो है दिक्कत शहीद शहीद है हुसैन मदनी रहमतुल्लाह है आज से 50 साल पहले जब शहीद की मजार को ज्यारत के अंदर गए दरवाजा बंद किए एक घंटे के बाद जब दरवाजा खोला तो मदनी रहमतुल्लाह ने कहा किसने कहा कि शहीद को सुन्नत मुबारक नहीं थी शहीद जिंदा है अब देखिए अंग्रेज उनके दुश्मन थे लेकिन जिस जगह से जिस एहतराम से उनकी मजार उनकी खबर बनाई यहाँ तक कि उनके भांजे उनके पोतरे हर एक की खबर जो है आज श्रीरंगपट्टनम के अंदर जो है
आज मौजूद है। तो इसलिए उनके लिए हमारी भाव ये मिटने वाले नहीं है, ये छूटने वाले नहीं है। अभी अभी आप हजरत का बयान सुने हकीम हुसैन साहब का, 1200 करोड़ रुपए में नालंदा सिटी बनाए हुआ था, एक ही वक्त में 25,000 लोग वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसी बड़ी मस्जिद है वहां पर था। मैं ये मामूली मौलवी, ये मौलवी अगर इतना काम कर सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, अब जो है वहाँ लायर को जो है उन्होंने खुल के बोला नहीं है, लायर इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि खौफ के वास्ते कोर्टों में लड़ने के वास्ते लोगों की जरूरत है। तो मुफ्त जो है वहां पर जो है लायर को तैयार करने का लाखा ने चुप बने, अब यहाँ से भी अपना भेजो। आज सवेरे मेरे से भी जो है वो गुफ्तगू करके गए हैं तो जेरा भी किए हैं, जो बच्चे हुनर वाले गरीब है अलहमदुल्ला वहां पर जो है 27,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 27,000 बच्चे खाना पीना सब जो है मरकज सकाफत सूबिया वहां उसका इंतजाम दे रहा है। उसी तरह से केरला में कम से कम 2-3 लाख तक बच्चे जो है हर एक जगह, क्योंकि वहां का माहौल ही खिदमत का माहौल है। अल्लाह ताला वो माहौल कर्नाटक में, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं मरने के पहले अल्लाह से मेरी यही दुआ है, क्या ना मुझे जब तक नहीं बोला तब तक मेरा फर्ज और खर्च पूरा नहीं मिल सके। तो कर्नाटक के अंदर जो ऐसे मिसाले इदारे जो है औकाफ से अंजुमनों से, 1,30,00,000 की आबादी है हमारे यहाँ, नंबर वन पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, लेकिन अदालत के हिसाब में हमें डरते डरते कभी हिसाब का आ गया डर गए, कभी छटके को डर गए, कभी बीजेपी को डर गए। डरने वाले कौन नहीं है, हम सर नहीं झुकाते लेकिन सर कटा सकते हैं, ये ताकत आज हमारे मौजूद अंदर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह आज अली साहब को अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो जन्नत है इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला उस खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए, उस आदमी के खिदमत के सदके में और ऐसे नौजवानों को अल्लाह ताला इस खौफ के अंदर जो है तैयार फरमाए। इन चार अल्फाज के साथ आप लोग बचे कैसे जो बैठे हैं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह उनके लिए खुदा और मुस्लिम वालों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई एक मिनिमम मैराथन की याददाश्त सूरज चांद रहे तक उसकी एक याददाश्त है, ऐसा कोई काम हम की तरफ से इंशाअल्लाह करेंगे, वो करने की ताकत उसका अल्लाह ताला मुझे और आपको अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े बड़े करोड़पति यहाँ से गए, हमने जनाजे देखे हैं, लेकिन शख्स के चेहरे पर जो नूर है वो नूर देख कर मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि ये जन्नत है। खैर बयान बात मुख्तर करके मैं एक और खास कहकर मैं हमारे रियाज में प्रोडक्शन कमेटी के चेयरमैन को देना चाहता हूँ कि इंसान हमारी एक खासियत है, हमारे हाउ में, हमारे बिरादरी में, हमारे लोगों में जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी कदर नहीं करते, उसके पास नहीं जाते, उसकी परेशानी नहीं पूछते, वो किस कष्ट कुर्सी में, किस तकलीफ में, किस परेशानी में गुजरा। हम चाहते हैं उनके घर वाले जानते हो शख्स करोड़ों रुपये का मालिक होता तो बबत हाथों रुपये भीख के लिए अपनी लाश को आया क्या होता। अफसोस हमारी फौज के ऊपर, हम मुर्दों के ऊपर अफसोस करते हैं, जिंदा जब होते हैं उनकी तीमारदारी, उसकी कष्ट कुर्सी, उनकी परेशानी हम नहीं जानते, हम अपने कामों में अपने चीज़ों में मशहूर होते हैं। मेरे आपसे अभिमन गुजारिश है कि खैर अली साहब ने तो वो कारनामा अंजाम दिया है, इंशाअल्लाह क़यामत तक कर्नाटक के मुसलमानों के लिए वो मशहूर रहा है। उन्होंने कन्नड़ वाहन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ठेकेदारों को बचाया है, ठेकेदारों को कौम के लिए लड़कर अपनी अपनी जान की कुर्बानी की है। इब्राहिम साहब जानते हैं उस वक्त पूरा असर इब्राहिम साहब संभाले हैं कि उनकी जान के दाने पड़ गए थे, डॉक्टर के यहाँ से बचने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वहाँ से बचकर आए, लेकिन किसी से नहीं डरे। और लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत ही अदब के साथ कहता हूँ, वल्ला जो कौम के खिदमत गार हैं उन्हें उनकी हिमायत नहीं करते कोई बात नहीं, पर अल्लाह रसूल ने बदला मत लीजिए, बदला मत लीजिए। वो शख्स को लोग क्या क्या कहे, किसी के पास पार्ट लाख नहीं है, किसी पास 15 लाख नहीं है, किसी ने कहा हमने 50 लाख, अगर इतने पैसे होते कि 90,000 रुपये के लिए आइए उसकी लाश जिन हॉस्पिटल में बड़ी होती तो दूसरे दिन सुबह में आती। क्या मेरे यार मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने उठाए था हम के लिए अपनी अपनी जिंदगी तबाह कर दिया, अपनी अजवा की जिंदगी तबाह कर दिया, मेरे ग्राम में जाने अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को कर दिया, हैदराबाद छोड़ के आ गया, सिर्फ
जेबी साहब जो मैकेनिकल इंजीनियर है जो बेंगलुरु की सरजमीन पे तालीम हासिल करने के लिए आए थे, मगर मिल्लत इस्लामिया के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। अभी किसी साहब ने अर्ज किया कि नफ़त अदा करने के लिए लोगों से तालुक लेना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से हम लोग तशरीफ लाए, मैं और आमिर मेरे बहन का बच्चा है यहाँ पे। हम लोग ने 3.5 लाख के करीब बिल अदा की है यहाँ पे, 3.5 लाख के लिए। मगर जो लोग रजाकाराना तौर पे हमको ताउन किए हैं वो आखिरी अरसे में अपनी मर्जी और अपनी खुशी से ला के दिए हैं। मगर बाद हजरात ने हमें ये भी कहा कि आप जमजे अली साहब बीमार हैं, उनकी हिम्मत मेरे फला दोस्त ने नहीं किया, मेरे फला ने फला साथी ने किया, फला साथी ने किया, बल्कि कई लोग मुनाफिकत भी करते रहे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा भाई को सबर रखिए, दिया है करते करते मरो। ये कहावत जो है अली के पर पूरी उतरती है,
उन्हें जो जब तक मरता था मर्याद तब तक उन्हें काम करने पड़ा कौम के वास्ते वक्त के वास्ते अल्लाह की मिल्कियत कौम की मिल्कियत बचाने के वास्ते मेरा उसका वास्ता 25 साल से रहा लेकिन ये चाशमे के दिन उसकी मेरे हिसाब से तीसरी मौत थी दो दफा उसे मौत को मादे घर से अटैक करे लेकिन वो अल्लाह के फजल से वो दुआ में दुआ थी सबकी उम्र बच गया ये जो है परसों की मौत मैं दुआ करता हूँ क्या था गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह उसकी मफरत करे दे और जल्द फिर उस पर जगह आता है اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحيم يا كريم يا جبار ہم تمام لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں مرحوم علی کے لیے ان کی مغفرت کے لیے ان کی درجات کو بلند کروانے کے لیے یا اللہ یہ شہید ہے تیری کی جائیداد کے لیے لڑتے لڑتے تیسری موت جو ہے وہ بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے 20 साल 25 साल तक ये पढ़ने आया था लेकिन यहाँ खौफ के लिए लड़ता रहा और अपनी पूरी ज़िंदगी तेरी राह में खर्च की है या अल्लाह इसका कबूल फरमा या अल्लाह वो तो जन्नत ही है उसके सदक़े में हम तमाम की मग़फ़िरत को कबूल फरमा हमें भी नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या अल्लाह हमारा बोलना सुनना जितने लोग यहाँ जमा हुए तमाम के नेक हाजात कबूल फरमा जितने यहाँ पर लोगों की मरहूमी नहीं तमाम को जन्नत नसीब फरमा या अल्लाह ये दुआ को نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے تفہیر میں سے خان اللہ تعالیٰ فی شاہ نبی ان اللہ ملائکت صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو اللہ زینا من صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمان خلال مصرین سیدنا شفینا حبیرنا ومولانا محمد مبارک مصرین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم तीन रात में हॉस्पिटल में बेड को होम में अंजुमन था अकेला इंसान नहीं था साहब उसकी तारीफ करता करे मेरे खिलाफ लिखा मेरे खिलाफ लिखा हिम्मत की था हिम्मत मैं उसको बुला कूद पावा ये नोगा में जाकर ले तुमने ना गाला दर मोबाइल अजय उन्हें मर्द का बच्चा उन्हें जो है स्टैंड लिया सीएम इमरान के खिलाफ बोलने वाला हुआ ना मैं उसकी तारीफ करता हूँ आज ऐसे नोगा होना अब देखो मसूद क्या करे इनके ऊपर कैसा बोले कहाँ गए उन्होंने चले गए उनके ऊपर कैसा आज सब कैसा था बोला इनके ऊपर इनके ऊपर केस डाले क्या करते सात साल से हमारे ऊपर चल रहा है जो जिन्हें एक महीना क्या भी खाया नहीं हमें शादी थी उसके जिस्म पानी लुहार गए स्टंप को दास है जो बोला ना सूरत का सूरत जिस्म में देखो ये एक निशानी वो जान का बहुत सारा मैयता को देखो बहुत सूरत बोल जिस्म कोविड के अंदर में एक चीज क्या देखा जिसके पास 10 पैसा नहीं
एक ऑक्सीजन में चार आदमी ले को बाहर रही 3 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला सिटी फूक दिया गरीब अल्लाह बचाने वाला जिसे बचाना चाहता ये एक ऑक्सीजन में चार आदमी फुटपाथ को हॉस्पिटल में ले फुटपाथ को 2 मिनट रख लेते हैं 2 मिनट 3 दिन दिन रात गुजारे वो आदमी अच्छे हो गए 3 करोड़ की बिल देकर हॉस्पिटल में आदमी चले गया नहीं बचाने वाला मेरा मालिक साहब उसने मेरी दरखास्तों में ताची सुनो तुम्हें मेरे अमीर बनो आओ का तुम और सबको मालूम नहीं है एक बार के दिन नो हॉस्पिटल एडमिट है हफ्ते के दिन रात को 1.5 घंटे तक उसका चमड़ा फेटता लेटर लिखने में ये मुझे किसी को मालूम नहीं है लेटर लिख के है ना मंडे के दिन हाईकोर्ट को डालना है लाहिर ताहिर गवाह है और बेड में क्या बोल रहे हैं जामा लेटर लेके आगे था हरियाणा जी में किसी को मालूम नहीं लेटर लिखो।